हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल दोस्तों आज है 31 जनवरी 2024 और 31 जनवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती है

तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है वह किस राज्य से संबंधित है रिसेंटली मोनपा हैंडमेड कागज या पेपर हैज गॉट जीआई टैग इट बिलोंग्स टू विच स्टेट फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात सेकेंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश थर्ड ऑप्शन है बिहार या फोर्थ ऑप्शन है केरल जल्दी से बताइएगा दोस्तों हाल ही में मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है वह किस राज्य से संबंधित है इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्वाइंटों को पढ़ते हैं हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण कला की शुरुआत 1000 वर्ष पूर्व हुई थी और धीरे धीरे यह कला अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थानीय रीति रिवाजों और सांस्कृतिक का अभिन्न हिस्सा बन गई मोनपा हस्त निर्मित कागज़ सुंग स्वयंग नामक स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाएगा जो औषधीय गुणों से युक्त है ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स एक फरवरी 2024 को लगातार कौन सी भी बार बजट पेश कर, करके निर्मला सीतारमण मोरारजी देसाई के बाद दूसरी वित्त मंत्री बनेंगी निर्मला सीतारमण विल बिकम दी सेकेंड फाइनेंस मिनिस्टर आफ्टर मोरारजी देसाई बाई प्रेजेंटिंग दी बजट फॉर विच कंजीक्यूटिव टाइम ऑन 1 फरवरी 2024 फर्स्ट ऑप्शन है फिफ्थ सेकेंड ऑप्शन है सिक्स थर्ड ऑप्शन है सेवेंथ या फोर्थ ऑप्शन है एट बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी सिक्स्थ बार ठीक है दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं निर्मला सीतारमण लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बनी है बजट 2024 25 एक फरवरी को पेश किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार छठा बजट और लगातार पांच वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई अपने वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल उन्नीस से उन्नीस के दौरान ऐसा पहले भी करने वाले पहले थे मोरारजी देसाई के नाम सर्वाधिक 10 बजट पेश करने का रिकॉर्ड दर्ज है ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने के लिए निम्न में से किस कंपनी द्वारा 1.20 लाख करोड़ रुपए तक का रेट दिया जाएगा विच ऑफ दी विल प्रोवाइड लोन्स अप टू रेट 1.20 लाख करोड़ फॉर इंस्टॉलिंग रूफ टॉप सोलर पैनल्स फर्स्ट ऑप्शन है एन लिमिटेड सेकेंड ऑप्शन है भेल थर्ड ऑप्शन है सेल या फोर्थ ऑप्शन है आरईसी लिमिटेड बताइएगा दोस्तों टॉप सोलर पैनल लगाने के लिए निम्न में से किस कंपनी द्वारा 1.20 लाख करोड़ रुपए तक ऋण दिया जाएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी ई सी लिमिटेड के द्वारा चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटो को पढ़ती आर ई सी लिमिटेड रूफ टॉप सोलर पैनल्स लगाने के लिए 1.20 लाख करोड़ रुपए देगी महारत्न कंपनी आर सी लिमिटेड प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है इस योजना का लक्ष्य 2026 तक 40 गीगावाट छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करना है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किया गया था ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली ए कंपनी कौन सी बनी है विच रिसेंटली बिकम इंडिया फर्स्ट ए आई कंपनी टू बिकम आई यूनिकॉर्न फर्स्ट ऑप्शन है कुट्रिम सेकेंड ऑप्शन है बॉस थर्ड ऑप्शन है जेनसार या फोर्थ ऑप्शन है इम्फोसिस बताइएगा दोस्तों हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन सी बनी है इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए कुट्रिम बनी है चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो को पढ़ती है कुट्रिम यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी बनी ओला के संस्थापक भाविक अग्रवाल ने कु्रिम के लिए 50 मिलियन डॉलर सुरक्षित किए मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया और अन्य प्रमुख निवेशकों के नेतृत्व में हालिया फंडिंग राउंड ने कुट्रिम को यूनिकॉर्न स्थिति तक पहुंचा दिया है ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स वर्ष 2027 में विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा विच कंट्री विल होस्ट दी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इन द ईयर 2027? फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया सेकेंड ऑप्शन है इंडिया थर्ड ऑप्शन है श्रीलंका या फोर्थ ऑप्शन है इंग्लैंड बताइएगा दोस्तों वर्ष 2027 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड देश करेगा चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेती है इंग्लैंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल की मेजबानी करेगा इंग्लैंड लगातार चौथी बार जून में 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करने के लिए तैयार है आईसीसी ने महिला टी ट्वेंटी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत की घोषणा की है उद्घाटन संस्करण फरवरी 2027 में श्रीलंका में होने वाला है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप दो की विजेता है ऑस्ट्रेलिया ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों हाल ही में किसके द्वारा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 शुरू किया गया हु रिसेंटली लॉन्च दी लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका सेकंड ऑप्शन है रूस थर्ड ऑप्शन है इंडिया फोर्थ ऑप्शन है नाटो जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हमारा ऑप्शन नंबर डी नाटो चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट टू को देख लेते हैं नाटो ने सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 शुरू किया शीत युद्ध के बाद से नाटो का सबसे व्यापक सैन्य अभ्यास है जिसमें नब्बे हजार से अधिक सैनिक 50 से अधिक जहाज और विभिन्न विमान शामिल हैं स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 हजार दशकों में नाटो की पहली रक्षा परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रतीक है विशेष रूप से रूस से संभावित आक्रामकता की प्रतिक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है इसका आयोजन स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 अभ्यास कई देशों में होगा नाटो का फुल फॉर्म है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके अध्यक्ष जेम्स अंटोल वर्ग जी हैं ठीक है, है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहां पर स्थापित किया जाएगा वेयर विल इंडिया फर्स्ट रिसर्च आई आई टी सैटेलाइट कैंपस बी एस्टाब्लिश्ड फर्स्ट ऑप्शन है सूरत में सेकेंड ऑप्शन है मुंबई में थर्ड ऑप्शन है भोपाल में या फोर्थ ऑप्शन है उज्जैन में बताइएगा दोस्तों भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी उज्जैन में चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेती हैं उज्जैन में भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस होगा आईआईटी इंदौर द्वारा उज्जैन में सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने का प्रोजेक्ट तैयार कर 2023 में मंजूरी के लिए शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया था इसका नाम डीप टीच रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस शॉर्टकट में डीआरडीसी रखा गया है भारत में तेईस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी संस्थान है कितने हैं दोस्तों ट्वेंटी थर्ड हैं याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स हाल ही में किस राज्य में सांबर महोत्सव मनाया गया इन विच स्टेट सांबर फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में सेकंड ऑप्शन है गुजरात में थर्ड ऑप्शन है राजस्थान में या फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र में बताइएगा दोस्तों हाल ही में किस राज्य में सांबर महोत्सव मनाया गया है इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान देश में सांबर महोत्सव मनाया गया है चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्वाइंटों को पढ़ लेती हैं राजस्थान के सांबर झील में सांबर महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया इसका उद्घाटन डिप्टी सीएम और पर्यटन मंत्री द्वारा किया गया कब किया गया दोस्तों 26 से 28 जनवरी तक किया गया सांबर महोत्सव को कच्छ के रण महोत्सव की तर्ज पर विकसित किया गया सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय नामक झील है जो अरावली पर्वतमाला के अक्सात में स्थित है रामसर साइट सांबर झील एक आर्द्र भूमि है जिसे वर्ष 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि घोषित किया गया है ठीक है दोस्तों याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के नज़रिए से चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स हाल ही में तिरसठवीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहां पर आयोजित की गई है वेयर वॉज दिक्सटी थर्ड सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड मीटिंग हेल्ड रिसेंटली फर्स्ट ऑप्शन है सूरत में सेकेंड ऑप्शन है इंदौर में थर्ड ऑप्शन है भोपाल में या फोर्थ ऑप्शन है मुंबई में बताइएगा फ्रेंड्स हाल ही में तिरसठवीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहां पर आयोजित की गई है इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी भोपाल में चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट टू को पढ़ते हैं भोपाल में तिरसठवीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक आयोजित हुई इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है और इसकी अध्यक्षता खान मंत्रालय के सचिव श्री वी एल कंथा राव जी ने की है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जी ने लगभग एक वैज्ञानिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की स्थापना अठारह में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके अध्यक्ष श्री जानार्दन प्रसाद जी हैं ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स हाल ही में आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसने जीता है हु रिसेंटली वोन द आई सी सी वोमेंस ओ डी आई क्रिकेट ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री फर्स्ट ऑप्शन है किंटोर एबिल ने सेकेंड ऑप्शन है चमारी अथापत्थू ने थर्ड ऑप्शन है नेट साइव ने या फोर्थ ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर ने जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी नेट साइवर ने चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ लेती हैं। आईसीसी पुरस्कार 2023 की पूरी सूची दी गई है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसी द्वारा वर्ष 2023 के लिए पुरस्कारों की घोषणा 24 जनवरी 2024 को की गई थी आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रसेल हैडो ट्रॉफी नेट साइबर ब्रंट जो कि इंग्लैंड की है इनको मिली है आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार चमारी अथापत्तू श्रीलंका की मिली है आईसीसी पुरुष टी ट्वेंटी क्रिकेट ऑफ द ईयर यह सूर्य कुमार यादव को मिला है और यह भारत की हैं आईसीसी महिला टी ट्वेंटी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 मैथ्यूज़ को मिला है ये वेस्ट इंडीज़ की हैं आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर के लिए डेविड सेफर ट्रॉफी रिचर्ड्स एलिंग वर्थ को मिली है यह कहाँ के हैं ये, है? ये इंग्लैंड के हैं ठीक है दोस्तों आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों सारे फैक्टो को आपने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच दोस्तों